चलिए इसको गोल से काट दीजिए पूरा। उतना बड़ा नहीं, थोड़ा सा इतना कर दीजिएगा। सटाइले सटाइले काटिए ना, सटाइले स्टार्टिंग काट के पूरा भीतर दे दिया जाएगा, ऊपर से जब चप्पी चपका जाएगा कुसुम तो चपका रहेगा, फैलेगा नहीं उतना। ऐसे कभी ब्लास्ट पंचर होगा ना तो आप इसको अच्छे से पूरा फिनिशिंग करके और अच्छा से बनाइएगा, कोई बाद में पतला होके फटे ना ऐसे। ठीक है, ये वाला हो गया है, अब इसको अच्छा से खसी है बड़ा करके थोड़ा सा। अब इसको खसने जा रहा है, और इससे भी अच्छा अच्छा टायर और पंचर देखना हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन डबल कर दीजिएगा। तो इससे भी अच्छा अच्छा वीडियो हम लोग बना के आपको दिखाएंगे और बताएंगे कैसे कैसे बनता है। घसना हो गया है, अब इसके बाद आप ये वाला ट्यूब अब इसके भीतर जाएगा, अब इसके भीतर ट्यूब जाके फिर उसके बाद आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए इसमें अच्छा सोल्यूशन लगा लीजिए, सोल्यूशन लगा के ये आप भीतर में ढुका के भी लगा सकते हैं, हम लोग ऊपर से अलग दिखा रहे हैं आपको लगा के। और भी इससे अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम लोग एक न्यू लड़का है, इसको हम लोग सिखा रहे हैं ब्लास्ट पंचर कैसे बनता है, कस्टमर को कैसे बना के दे, रिपोर्ट ना आए अच्छा हो। उसको साफ कर लीजिए भीतर में उंगली डाल के, बस उसके बाद ढुकाने के लिए ढुकाइए इसको। फिर इसको भीतर से सीधा करके अपने तरफ टानी है, चाप के हल्का हल्का ऊपर से ग्राइंडिंग कर दीजिए, थोड़ा साफ कर लीजिए इसको। चलिए ये है थोड़ा सा बड़ा टीवो ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वैसे नहीं बात प्रॉब्लम होगा तभी ना सीखोगे। ठीक है, अब अच्छे से ग्राइंडिंग कर लीजिए। साफ हो रहा है, देखिए साफ हो गया है, साफ हो गया। इसको आप अच्छा से साफ कर लीजिए, अच्छे से साफ करके इसको थोड़ा ट्यूब को एक लेवल कर लीजिए। एक कपड़ा लिखाइए आप, कपड़ा लिखाइए इसको। इसको कुछ नहीं करना है, इसका भीतर में थोड़ा सोल्यूशन डाल दीजिए, अच्छा से डाल के पूरा अच्छा से सोल्यूशन पूरा मिक्स कर लीजिए। बस भर दीजिए ऊपर भी डालिए, ऊपर डालिए, ऊपर डालिए। आप देख सकते हैं अच्छा से पूरा सोल्यूशन मिक्स कर लीजिए। अच्छा से मिक्स करके दो मिनट के लिए अच्छे से इसको सूखने दीजिए, हल्का सूख जाए उसके बाद इसको कुसुम लगाइए। बस बस अब अपना कुसुम लगाइए आप। बस भाई लोग एक न्यू बंदा आया है, इसको हम लोग बता रहे हैं कैसे इसको ब्लास्टिंग पंचर बनता है। एक न्यू ट्यूब है, एक हैड्रा का है।
इसमें पानी रहता है, इसको पूरा अच्छे से बनाना पड़ेगा। एक कस्टमर दूसरे दुकान से ला के हम लोग के पास दिए हुए हैं, इसको हम लोग सक्सेस करके उसको अच्छे तरीके से बना के उसको दिया जाएगा। आप देख सकते हैं उसको ऐसे नहीं आगे लंबा लंबा मारिए, आगे लंबा लंबा ऐसे चप्पल, हाथ गंदा मत लगाइए, गंदा तो लगेगा। लीजिए पूछिए, ऐसे हल्का सा पोछ के काम करिए। आगे इसको लंबा काटिए, ये लोग खुश होंगे, इसको आगे लंबा काटिए। जो हम कल साइड पंचे बनाए थे उसके तरह काटिए, इतना बड़ा नहीं इतना बड़ा काटिए। आप देख सकते हैं बस इसको अब क्या करना है, लंबा लंबा मार के फिर चार कोना जैसे ऐसे से मारना है। आगे इधर से चालू करिए और थोड़ा ऊपर लीजिए, कभी भी ऊपर से मारिए, ऊपर मार के आप इसको चारों तरफ इसको भीतर तक ढुकाइएगा आराम से, वो चपक जाए ट्यूब भी नीचे वाला, जो ट्यूब ऊपर ना जाए। इसको आगे राउंड कर लीजिए, राउंड पूरा इसको भीतर तक भी लाइए। इसको अच्छे से आगे राउंड घुमा लीजिए, भाई लोग आप लोग देख के बताइएगा वीडियो अच्छा है कि ख़राब है, और हम आप लोग के लिए जो जो वीडियो बनाते हैं वो सही वीडियो है कि गलत वीडियो है। हम इसी तरह और भी अच्छे अच्छे सब कुछ बताते रहेंगे। और लंबा काटिए उसी तरह, एक और लंबा काटिए, ना ना लंबा काटिए, हम बता रहे हैं लंबा काटिए। कभी बनाइए, देखिए इसको हज़ारों लोग देख रहे हैं, भरोसेमंद काम करिए, ये यहाँ से कुछ होना नहीं चाहिए। इसको सोचिए अगले दुकान से मेरे दुकान पर आए, ट्यूब देके गए, इसको भाई बोला कोई बना नहीं पा रहा है, इसको बनाइए भाई। अभी ये ट्यूब खरीदने जाइएगा 3500-4000 दाम लेगा, ये न्यू ट्यूब है। अब इसको पूरा भरिएगा आराम से, पूरा इसको अच्छे से भरिए। आप लोग ज़रूर बताइएगा, मैं इस लड़के को मैं गलत बता रहे हैं कि सही बता रहे हैं, कमेंट में बताइएगा। भाई हम लोग को इधर में जो भी लड़का आता है हम लोग उसको ऐसा काम सिखाते हैं, कभी भी कोई भी दुकान पर जाए कभी भी गलत नहीं, जो सही है वही हम लोग सही बताते हैं। उसको पूरा मोटा करिए बीच में पूरा अच्छा सा, बड़ा हुआ फिर क्या करेगा, हल्का इसमें सुलेशन रखिए, हल्का सुलेशन से मोड़ के फिर इसको क्या करिएगा, इसका ऊपर में अच्छे से रख दीजिएगा, पूरा मिक्स करिए उसको। इसको आप अच्छे से बीच में लगा दें, इसको बीच में लगा के और एक लंबा काट के इसको अच्छे से पूरा गोल पैकिंग कर दीजिए। क्या करिए, उसको भी लंबा लेके पूरा यहाँ से जो दिखाई दे रहा है ना, इसको गोल घुमा दीजिए थोड़ा बड़ा करके, ठीक है, तो पूरा पता नहीं चले, पैकिंग हो जाए।
तो उसके बाद जो हीट होगा वो एक नंबर हीट होगा, देखने में भी अच्छा लगेगा, आपका हीट भी अच्छा होगा। आप देख सकते लंबा काट लिया, पूरा अच्छा से घुराइए, पूरा ऐसा जो बाहर बाहर दिखा सब इसको बंद करिए अच्छे से। देखिए भाई हम लोग किसी को बताते हैं पूरा फिनिशिंग के साथ बताते हैं, ये नहीं आधा अधूरा बता दिए, साथ में रह के हम लोग सब कुछ बताते हैं। देखिए जब करिएगा तभी सीखिएगा, ना करके किसी का बात नहीं होता है। आज मैं किया तो मैं सीखा, तो मैं दो आदमी को सिखा दिया। ये हो गया आपका अच्छा से राउंड, फिर इसको क्या कीजिए घुरा के बीच में राउंड कर दीजिएगा, बीच में लगा दीजिएगा। आपका बन गया है, अब आपका हीटर आएगा, हीटर में अब रखना होगा। चलिए हो गया, आप हीटर लेकर आइए। आप ये डॉगी को भी हम लोग कस्टमर को पहचाना सिखा दिए, कस्टमर आता है उसका सामने जाता है, टायर में पाल लगाता है, कस्टमर को बताता है और हमेशा ही रहता है इधर ही। अब आप देख सकते हैं हीटर आ गया है और इसका ऊपर अभी चढ़ेगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, कभी भी हीट करने जाइए तो नीचे हल्का पाउडर रख दीजिएगा, पाउडर रखने से क्या होता है चपकता नहीं है। इसका ऊपर में पाउडर लेकर आइए, आप पाउडर लेकर आइए। पाउडर रख दिया जाता है, पाउडर रखने से क्या होता है चपकता नहीं है, जो पंचर होता है पूरा अच्छा होता है। सब कागज रखिए, कागज इसमें ना रख के आप और भी एक चीज़ बता सकते हैं आपको, आप डायरेक्ट इसको इस समय के लिए आप कागज चपका सकते हैं, चपका के ला सकते हैं। तीन को लिखाइए ऊपर, आप देख सकते हैं अब हीटर में जा रहा है, नीचे रखिए। तो आप अच्छा से पूरा साइज देख लीजिए, बीच में आ गया कि नहीं आया, बीच में आ जाएगा तब इसको रखिएगा, कागज से रखा हुआ अच्छा से आप इसको अच्छा से पूरा देख लीजिएगा बीच में है कि नहीं है, जैसे बीच में भी नहीं है, बीच में नहीं है, जब बीच चेक करने के लिए आपको ये जो है नीचे वाला इसको थोड़ा सा नीचे लाने दीजिए, तब आपको पता चलेगा बीच में है कि नहीं है। थोड़ा आप इधर टांगे, इधर टांगे, इधर देखिए, समझ लीजिए बीच में आपका आ चुका हुआ है, ये वाला लगाइए। आप इसको अच्छा से क्यू रख के इसको अच्छे से टाइट करिए, इसको टाइट करिए पूरा अच्छा से टाइट करिए, पकड़िए हम टाइट करिए, पकड़िए टाइट कर लें, पकड़िए देखिए इसको जितना चाहे उतना अच्छे से और भी टाइट कर सकते हैं आप, आइए और देख सकते हैं। और 15-20 मिनट रुक जाइए, उसके बाद आप देख सकते हैं पंचर कैसा तैयार हुआ है। नाम जल रहा है, हीटर चालू हो गया है, अभी हो रहा है, अब छोड़ दीजिए। और आप लोग को ऐसे ऐसे और भी अच्छे अच्छे वीडियो चाहिए, हाँ टूबलेस टायर अंदर से कैसे बनाए, ट्यूब कैसे फटा, हेल कैसे बना, सब बताएंगे भाई। थोड़ा सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके पास जल्दी वीडियो आ पहुँचे भाई, कीप योर सपोर्ट भाई। अब आप लोग देख सकते हैं हम लोग का हीटर पूरा हीट हो चुका है, अब इसके बाद प्लग हमेशा निकाल दीजिएगा, प्लग निकाल के रख दीजिएगा, उसके बाद जब तक तुरंत नहीं निकालिएगा इसको, जब तक आराम से ठंडा ना हो जाए तब तक उसको इसी में रहने दीजिएगा, डायरेक्ट निकाल लीजिएगा नरम रहेगा आपका पंचर अच्छा नहीं बन पाएगा, इसको जब तक ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के लिए 5-10 मिनट लगेगा, उसके बाद अच्छा ठंडा हो जाए तो समझ लीजिए आपका पका हुआ चीज़ और भी मजबूत हो जाएगा, और तुरंत निकालिएगा तो आपका क्या होगा नरम हो जाएगा, नरम रहेगा तो आपका बेकार हो जाएगा पंचर, पूरा मेहनत बेकार। अब आप देख सकते हैं
हीट ठंडा हो गया। अब इसको खोलिए, इसको पूरा खोलिए, खोल के अब ठंडा पानी इसको दीजिए, जल्दी लेके जाते हैं वहाँ पर। इसको पूरा अच्छे से लगाइए, एक टैप पकड़ाना, एक टैप नहीं ना, चले जो छुरी से काट दीजिएगा। अपना ये आपका चलने लायक हो गया, अपना न्यू ट्यूब बच गया। और इसको अब हवा दिया जाएगा, अब बताइएगा इससे हवा दिया जाएगा। अब देखिए इससे तो आप हवा नहीं दे पाएंगे, आप बताइए किससे हवा दिया जाएगा। इसके लिए अलग बेल आता है, इससे तो आप हवा नहीं दे पाएगा, कोई ना रहे तो आप क्या करिएगा। इसके लिए अलग बेल आता है, बढ़ाना पड़ता है, वो परमानेंट किन्ने से ही मिलता है, नहीं पास रहे तो आपको ही बताएंगे किस, ना रहे तो कैसे बनाइए। इसके लिए एक अलग बड़ा डाई लगता है, मोटा बेल खुल रहा है अब। इसका वाल देखिए कितना लंबा होता है, इसका वाल वाल पिन देख रहे हैं कितना लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। अब देखिए मैं हम लोग फिक्स लगा रहे हैं, वो जहाँ पर बनाने गए वहाँ पर उसके पास भेल है, हम लोग फिक्स लगा के इसको चेक करेंगे अभी अच्छे से। इसको अच्छा टाइट कर लीजिए, टाइट हो गया है, अब इसके बाद हवा दिया है, हवा दिया। अब आप देख सकते हैं, अब कोई भी वेल से नॉर्मल एयर वेल से आप दे सकते हैं। अब आपका हवा जा रहा है, ट्यूब उठा के जहाँ पंचर बना वहाँ लेके चलिए। अब देख सकते हैं पंचर को, यह पंचर को पूरा अच्छा पंचर बन गया है। अब इसको आराम से आप गाड़ी में लगा के चला सकते हैं, कोई यहाँ से परेशानी नहीं होगा, 100% गारंटी के साथ। यहाँ से कुछ हो गया तो आपका दो पंचर फ्री में इसी तरह दो ट्यूब बना के देंगे। आप और देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।